हेलो, गुड इवनिंग। और आज मैं वीडियो इवनिंग में बना रहा हूँ क्योंकि कल और परसों बंद है मार्केट्स। तो और आज मैं दिन में वोट देने गया था और राजस्थान में स्टेट इलेक्शंस थे। और मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि असेंबली इलेक्शंस कैंडिडेट स्पेसिफिक होता है, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे हम स्टॉक मार्केट पार्लेंस में बोले। और जो सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं सेक्टर स्पेसिफिक होता है। तो ये मैंने पहले ट्वीट भी किया हुआ, 2018 में भी किया था और वापस से आज भी किया है। बट एनीवेज, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट्स में हुआ है पिछले हफ्ते में, देखिए एक बहुत ही लैकलस्टर माहौल बना हुआ था। स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स तो जबरदस्त परफॉर्म कर ही रहे हैं और वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 14,000 के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स, जो NSE का स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है, वो 14,000 के आसपास आके, यानी कि 13,990 के लगभग आके फिर वापस से घूम गया। सो ओवरऑल वी आर वेटिंग कि स्मॉल कैप मिड कैप फिर से और बड़ी तेजी दिखाए। और लार्ज कैप में भी कहीं ना कहीं माहौल तेजी का ही बना हुआ है। बहुत सारे जो हाई वेटेज वाले स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कोई तेजी अभी भी बनी नहीं है, डाउनसाइड कम लगता है। जैसे कि HDFC बैंक है, वो धीरे धीरे परफॉर्म करना शुरू किया। रिलायंस थोड़ा परफॉर्म करना शुरू किया। IT स्टॉक्स थोड़ा बेहतर हो रहे हैं, हालांकि TCS के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ थी, बट उसको भी डाइजेस्ट किया। फार्मा इंडेक्स इज डूइंग वेल, फार्मा इंडेक्स अपने हाइज बना रहा है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट्स में बहुत ज़्यादा वैसे घबराने की जरूरत नहीं थी अब तक। तो एक तो ग्लोबल क्यूज भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, US भी मार्केट्स भी थैंक्सगिविंग की वजह से बंद थे। बट अब आने वाला हफ्ता जो है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अब वॉलिटिलिटी आगे नहीं होगी। 19,800 एक बढ़िया एक रेंज बन चुका है, जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल्स पे भी नीचे के लेवल्स दिखते नहीं है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा अब कोई इधर साइड को स्पाइक देगा। एक तो मंडे वैसे हॉलिडे है, ट्रंकेटेड वीक है, और दूसरा हमें जो दिख रहा है वो है कि कटान है। अब कटान जब होती है नवंबर की 30 तारीख को, उसके पहला वाला हफ्ता अगर सुस्त होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट हफ्ता जो है थोड़ा सा वॉलेटाइल रहना चाहिए। सो वी शुड बी कॉशियस। फिर देखते हैं, हमारे जो राजस्थान इलेक्शंस की मैं बात कर रहा था, December 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे। सो ओवरऑल स्टेट जो 5 स्टेट्स में हो रहा है, इन सब का भी इम्पैक्ट मार्केट्स पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा। और देखते हैं किस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है उनकी क्या वो रहती है, रेस्पॉन्स कैसा रहता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अब एक बार हम लोग इन पे आ जाएं, डोमेस्टिक फ्रंट में हमें क्या क्या देखना है। देखिए, ग्लोबल क्यूज और इकोनॉमिक डेटा ये सब तो बने हुए रहेंगे। FNO की एक्सपायरी है, उसको भी हम पूरा देखेंगे। फिर एक ट्रंकेटेड वीक है जैसा कि मैंने कहा, और जो FIIs है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बाइंग में आने लगे हैं। मैं देख रहा था कि उनका कैश मार्केट में डेटा थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिकली वो लोग थोड़े बेहतर हो रहे हैं मार्केट्स में। सो दैट इज़ अ प्लस साइन। एंड ग्लोबल क्यूज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी बहुत सारे डेटा है। US के डेटा आते हैं, बिल्डिंग परमिट्स के डेटा है, न्यू होम सेल्स के डेटा है, फिर CPI डेटा है जर्मनी का, US का अगेन GDP डेटा है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है। सो ये सारे डेटा पे बिल्कुल नज़रें बनी रहेगी। ISM डेटा है US का जो कि 1 दिसंबर को आएगा, फिर NBS डेटा है चाइना का। सो ये सारे डेटा पे बिल्कुल नजरें बनी रहेगी। बट एनीवेज, हम अब मार्केट आउटलुक पे आते हैं। देखिए, जो निफ्टी है वो 19,795 यानी कि 19,795 पे बंद हुआ है। अगेन आई एज आई सेड कि वॉलेटाइल रहेगा। और 19,750 से 19,710 कैन बी अ सपोर्ट, जो कि एक बहुत नैरो रेंज में निफ्टी चल रही है। और ऊपर का लेवल भी कोई बहुत इजीली 20,000 क्रॉस कर जाए ऐसा लगता नहीं है, 19,990। बट ये जो नैरो रेंज में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखाया है अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, 20 डेमा के ऊपर, सो दैट इज अ गुड साइन। अगेन बैंक निफ्टी, कुछ बड़ी बैंक जैसे कि HDFC वगैरह से थोड़ा सपोर्ट मिला जो वैसे अंडर परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे वॉलेटाइल आउटलुक है, 43,769 पे बंद हुआ है। सपोर्ट कैन बी 43,670 टू 43,350 एंड रेजिस्टेंस विल बी 43,970 टू 44,350। USD INR अगेन बाय ऑन डिप्स है, यानी कि हमारे लिए नेगेटिव है, वो उतना कमजोर नहीं हो रहा है। 83.37 पे बंद हुआ है। सो 83.20 टू 83.90 कैन बी द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज 83.50 टू 83.90। यूरो अगेन बाय ऑन डिप्स है, 90.93, यहाँ पे भी थोड़ी तेजी देखने को मिली है, हायर बॉटम फॉर्मेशन किया। डॉलर इंडेक्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जिसको हम बहुत देखते हैं, और यहाँ पे एक ऊपर के लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिला था और अब 103.61 पे बंद हुआ है। सेल ऑन राइज की आउटलुक है और रेजिस्टेंस जो है 104, 104.10 से लेकर 104.70। गोल्ड अगेन काफ़ी वैसे एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, और जब आपके बॉन्ड यील्ड्स US के जब नीचे आने लगते हैं तो जो रिस्की एसेट्स है
तो जनरली वहां पे अच्छा माहौल बनता है। स्टॉक मार्केट्स में भी बना, हम देख रहे हैं कैसे यूएस के मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वैसे गोल्ड में भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है। सो बाय ऑन डिप्स है 60,650 से लेकर 60,390 विल बी द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल बी 61,350 to 61,530। सिल्वर अगेन इज बाय ऑन डिप्स, और कॉपर रेंज बाउंड है, 721 पे बंद हुआ डिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, 714 से लेकर 709 सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस 725 से 730। यहाँ पे भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखी है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है, 20 डेमा के ऊपर बंद हुआ है। क्रूड ऑयल अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले हफ्ते में कुछ दिनों में सपोर्ट में रहा है इंडियन मार्केट्स के लिए, और उसकी वजह से हमने देखा कैसे OMCs में अच्छी तेजी बनी है। आप BPCL, HPCL जबरदस्त आउट परफॉर्म किया मार्केट्स को, तो क्रूड ऑयल भी रेंज बाउंड है। क्रूड ऑयल में कोई बहुत ज़्यादा, वैसे मुझे मद्दी भी नहीं लगते तो बहुत ज़्यादा तेजी तो है नहीं, और कहीं ना कहीं लोअर टॉप फॉर्मेशन है, 20 डेमा के नीचे बंद हुआ है, सो दैट वाज 6570, सो 6403 और 6350 से लेकर 6290 विल बी द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल बी 6570 to 6670। अब हम आते हैं टेक्निकल पिक ऑफ द वीक पे, जो कि मैं बातों बातों में बोल गया था, HDFC बैंक का नाम ले रहा था। सो HDFC बैंक विल बी द टेक्निकल पिक ऑफ द वीक, और फंडामेंटल्स की तो सोचना ही नहीं है जब HDFC बैंक की बातें आती है। तो हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखाया आपने, 20 डे में 1507 के ऊपर बंद हुआ है, सो 1532 पे बंद हुआ है, टारगेट 1560 से लेकर 1570 और स्टॉप लॉस 1510। और कमोडिटीज में अगर देखें तो टेक्निकल पिक ऑफ द वीक में इस बार एग्री कमोडिटी आया, जो कि कैस्टर सीड ऑयल की एक है, इसने भी अपना ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और 6030 पे बंद हुआ है, और जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ NCDX में, टारगेट विल बी 6190 to 6250 एंड स्टॉप लॉस विल बी 5950। थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट हफ्ते फिर से एक नया आउटलुक लेके आएंगे, और एक ट्रंकेटेड वीक है, सो हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू सो मच।